हेलो गाइज, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे टेक सिंपल। तो आज हम कैमरा टेस्ट करेंगे रियलमी C25Y में, जिसमें हम बहुत सारा आपको फोटो सैंपल, वीडियो सैंपल, पोर्ट्रेट सैंपल, बहुत सारा फिल्टर सैंपल दिखाएं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बहुत सारे सैंपल दिखाने के कारण, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल आपको इसमें माइक्रो कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा इंटरफेस जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप HD में कर सकते हैं, फुल HD में कर सकते हैं और HD में भी कर सकते हैं, जो 480 पिक्सल में आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल फ़ोटो लेने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप ब्यूटिफिकेशन मोड को इनेबल करके बहुत सारा यहाँ से स्मूथ वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करके आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो पोर्ट्रेट का अपर्चर भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्लोज ले जाएंगे तभी पीछे में बैकग्राउंड में ब्लर देखने को मिलेगा। इसमें आपको टाइम लैप्स मिल जाता है, फिल्टर मिल जाता है, ब्रस्ट मोड मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल मोड मिल जाता है, पैनोरमा फोटो मिल जाता है, आप प्रो फोटो ले पाएंगे, आपको नाइट मोड मिल जाता है, आप माइक्रो फोटो भी इससे ले सकते हैं। तो जैसे ही आप 50 मेगापिक्सल मोड को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फोटो मिलेगा, बैकग्राउंड यहाँ पे कैसा ब्लर है वो भी आप देख सकते हैं। अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि 50 मेगापिक्सल मोड में ये कैसा काम करता है और 50 मेगापिक्सल का क्वालिटी कैसा है, हम आपको वीडियो के एंड में जूम करके जरूर दिखाएंगे इसे। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल लेंस मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप पता कर पाएंगे किसी चीज़ को कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले लिया है और आप गूगल पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है तो उस चीज़ का फ़ोटो आप लेकर के काफ़ी आसानी से गूगल लेंस में आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको HDR मिल जाता है, आप इसको इनेबल करके अगर फोटो लेते हैं तो अच्छा डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको वही सेटिंग्स मिल जाता है जो रियलमी के फ़ोन में आते थे, वाटरमार्क वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और जब पिक्चर साइज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रेशियो मिल जाता है, जो अपने हिसाब से आप सेट करके इसे फोटो ले पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:9 रेशियो में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो 16:9 में कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम HD में कर सकते हैं और उससे भी कम कर सकते हैं, HD में भी आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो फ्रंट कैमरा में फोटो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ब्यूटिफिकेशन मोड मिल जाता है, जो अपने हिसाब से इसे आप सेट करके फोटो ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सपोजर कैसा चाहिए, ब्यूटिफिकेशन आप कितना पे रख सकते हो, उसी के हिसाब से इसमें आप सेल्फी एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए कुछ फोटो हम ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने ले लिया है जो नॉर्मल सैंपल है, और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल भी मोड मिल जाता है, लेकिन 50 मेगापिक्सल हम आपको स्क्रीन पे जूम करके बताएंगे कि इसका क्वालिटी आपको कैसा मिल जाने वाला है। हालांकि 50 मेगापिक्सल मोड का कैमरा जो है काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है, लेकिन फिर भी हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप प्रो मोड को यूज करना जानते हैं तो आप प्रो मोड से काफ़ी अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे कि आप ऑटो फोकस को एडजस्ट करके, ISO को, एक्सपोजर को, ये सब को एडजस्ट करके काफ़ी अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो जो है प्रो मोड से देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन फ़ोटो निकल के आता है प्रो मोड से। तो यहाँ पे जो आप फोटो सैंपल देख रहे हैं ये हमने इंडोर में लिया है, और इंडोर में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सैंपल सब देखने को मिल जाएगा और क्वालिटी ठीक ठाक निकल के आ जाता है। इंडोर में थोड़ा सा आपको क्वालिटी जो है सेल्फी में थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन ख़राब रहने से आपको नॉइज़ दिखेंगे, ऐसे आपको नॉइज़ नहीं दिखेंगे। डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसका कैमरा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा सैंपल है जो हमने डे लाइट में लिया है, और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल मोड से भी हमने लिया है, जो आपको अभी पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन वीडियो को एंड में हम जरूर इसे जूम करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता चले कि क्वालिटी कैसा है दोनों में। और ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये हमने ठीक सनलाइट जब सामने से आ रहा था उस समय लिया था, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सनलाइट जो है मेरे कैमरा के साइड से आ रहा था, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा फोटो इसका निकल के आता है, और डायनेमिक रेंज कहीं कहीं पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ठीक सामने से जो है सन का लाइट आ रहा है, और ह्यूमन बॉडी का भी कितना अच्छा तरह से जो है एडजस्ट किया है वो आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट भी इसका अच्छा आ जाता है प्राइस के हिसाब से, कहीं कहीं पे पोर्ट्रेट में मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला है, जैसे कि ये आप सैंपल देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एज डिटेक्शन करने में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे पोर्ट्रेट जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है, जैसे कि ये फोटो आप देख सकते हैं लग रहा है जैसे कि DSLR से लिया हुआ हो। पोर्ट्रेट में अगर आप स्टेबल रखते हैं कैमरा को तो काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट ले पाएंगे, लेकिन अगर आपका कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा, एज डिटेक्शन जो है काफ़ी अच्छा कर लेता है डेलेट में। और यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल है जो हमने अलग अलग फिल्टर को यूज करके
फ़ोटो लिया है, तो कुछ इस तरह से आपको फोटो सैंपल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लो लाइट में आपको ज़्यादा नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ जाता है लो लाइट में। लेकिन यहाँ पे आपको एक नाइट मोड भी मिलता है, तो नाइट मोड और नॉर्मल मैंने दोनों से फ़ोटो लिया था, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला था। फ्लैश को जब आप इनेबल करके फ़ोटो लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो मिल जाएगा, जो आप ह्यूमन बॉडी पे भी देख सकते हैं कि आपको क्वालिटी कैसा मिलने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पास रहता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आपको फ्लैश लाइट में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये सब फोटो जो देख रहे हैं ये फ्लैश लाइट में ही लिया हुआ है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, लेकिन सेल्फी में कहीं कहीं पे आप मेरे लिप्स पे देख सकते हैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे बूस्टेड लग रहा है, ये चीज़ मुझे सेल्फी में लगा है। हालांकि इसका सेल्फी बहुत अच्छा आता है अगर लाइट कंडीशन अच्छा रहे तो, लेकिन ऑटोमेटिक जो है लिप्स पे थोड़ा सा पिंक कलर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल सकता है जो सामने वाला बंदा है उसका, अगर आप पीछे में हो तो उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो आप सेल्फी देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं था, उस कंडीशन में लिया गया है। तो डिस्प्ले का फ्लैश ऑन करने के बाद जो है इसमें आप नॉइज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिला है। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये HD में रिकॉर्डिंग हो रहा है और अभी लाइट का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो कुछ इस तरह से आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा। और ठीक यहाँ से अभी सन का लाइट आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको इसमें डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगा। डायनेमिक रेंज इस प्राइस के हिसाब से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे जो सन के नीचे वाला जो एरिया है वो काफ़ी डार्क हो चुका है अभी, और बाकी सब आपको कैसा लग रहा है आप हमें देख के जरूर बताइएगा। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक मॉडल को लाए हैं, और ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये हम अभी फुल HD में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इसका माइक्रोफोन का जो साउंड है वो आप देख सकते हैं कि कैसा आपको सुनने को मिलेगा। और फुल HD का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो HD और फुल HD दोनों ही कंटेंट में मुझे कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला है, दोनों में आपको वैसे ही मिल जाएगा जिस तरह से आपको HD में देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर भी आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल जाएगा, और थोड़ा सा क्लोज जाने से यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑटो फोकस में मुझे थोड़ी सी कमी लगी है इस फ़ोन में, बाकी क्वालिटी कैसा लग रहा है डे लाइट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऑटो फोकस की बात की जाए तो इसमें ऑटो फोकस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि ऑटो फोकस जो है HD में भी और फुल HD में भी ऑटो फोकस ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। जब आप टच करोगे तभी ये मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, और आप जैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के तरफ कैमरा को ले जाओगे उस दौरान जो है ये फोकस नहीं कर पाएगा उसे। तो दोनों को ही आपको टच कर करके ही काम चलाना पड़ेगा। टच फोकस इसका फास्ट काम करता है, लेकिन ऑटो फोकस रहता तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इस प्राइस के हिसाब से अभी सभी जो है फ़ोन ऑटो फोकस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जूमिंग जो है 4x तक का दिया हुआ है, तो इसमें कुछ इस तरह से आपको मैक्सिमम जूमिंग 4x का मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से आप जूम करके चीज़ों को देख सकते हैं। हम इसे जूम आउट कर देते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें आपको कितना जूमिंग मिलने वाला है। तो जैसा कि वहाँ पर मेरा भाई खड़ा है से मैं जूम कर लेता हूँ, बस 4x का जूम है, इतना ही है। तो ये जो सैंपल देख रहे हैं इसी फ़ोन से लिया जा रहा है, और ये 480 पिक्सल यानी HD में लिया जा रहा है, जो HD से लो क्वालिटी में होता है। तो इसका सैंपल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप मैक्सिमम जो है 720 पिक्सल यानी HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इसका क्वालिटी कुछ HD में इस तरह से निकल के आता है, और क्वालिटी ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। HD के हिसाब से भी क्वालिटी इसका ठीक ठाक निकल के आ जा रहा है, और एक्सपोजर कैसा एडजस्ट कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे से डायरेक्ट जो है सन का लाइट आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये HD में अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें हम HD का भी सैंपल आपको दिखा देते हैं। ये जो सैंपल देख रहे हैं इसी कैमरा से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो HD में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और सनलाइट जो है डायरेक्ट फ्रंट से आ रहा है, और लाइटिंग का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो कुछ इस तरह से आपको इसमें सैंपल मिल जाएगा। और इसका भी जो आप क्वालिटी है वो देख सकते हैं, कैमरा को बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं मूव कर रहा हूँ, फिर भी कुछ इस तरह से आपको इसमें क्वालिटी मिल जाएगा। और अभी जो है लाइट का कंडीशन जो है सन का लाइट जो है डायरेक्ट पीछे से आ रहा है, तो कुछ इस तरह से इसमें आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। और हम चल के भी दिखा दे रहे हैं जिससे आपको स्टेबलाइजेशन पता चल पाए, तो धीरे धीरे चलने से स्टेबलाइजेशन इसका ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दौड़ेंगे
ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा जर्किनेस आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से जो है इसमें आपको ज़्यादा स्पीड में दौड़ने से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। लो लाइट में भी मैंने वीडियो को ट्राई किया था और लो लाइट में HD में और फुल HD में दोनों में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नॉइज़ बहुत ही कम रहते हैं दोनों ही वीडियो में, लेकिन सेल्फी में आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉइज़ आपको देखने को मिल सकता है लो लाइट में। सेल्फी लो लाइट में जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर लाइटिंग का कंडीशन सही रहता है तो ठीक काम करेगा, लेकिन अगर लाइट बिल्कुल नहीं रहेगा उस दौरान जो है सेल्फी अच्छा काम नहीं करता है। तो चलिए कुछ फोटो हम आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि इसका एक्चुअल क्वालिटी कैसा है। तो इसमें हम आपको नॉर्मल फोटो भी जूम करके दिखाएंगे और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल वाले कैमरा से भी जूम करके दिखाएंगे और दोनों का डिफरेंस आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और किसे कितना जूम करने के बाद जो है क्वालिटी लॉस हो रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि Realme C25Y का आपको कैमरा कैसा मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।